नमस्कार, कविता इज हेयर यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आज इस वीडियो में रिसेंट पीएचडी नोटिफिकेशन 2020 की लेटेस्ट अपडेट कंफर्म करेंगे, साथ ही रिगार्डिंग महत्वपूर्ण जानकारी भी बताने का प्रयास करूंगी। उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश पसंद आएगी, तो सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर उत्तर प्रदेश से ये पीएचडी की नोटिफिकेशन आउट हुई है, तो इसी के रिगार्डिंग डिटेल जो है हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। पीएचडी प्रवेश 2020 सूचना विवरणिका प्रोस्पेक्टस भी है पूरा, इसमें वेबसाइट है आपका कि जैसा कि आप देख रहे हैं क्लियरली मेंशन हो रखा है। आप चाहें तो इस पे विजिट करके इसकी फुल डिटेल कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है शोध पीएचडी प्रवेश से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां, इम्पोर्टेंट डेट्स। ओके, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 24 जुलाई 2020, दैट्स मीन कि कल से इसका जो आवेदन प्रक्रिया है वो प्रारंभ होगी। नेक्स्ट वन, आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाने की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2020। भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2020। ओके, नोट में पहले यही है कि अंतिम तिथि 18 अगस्त 2020 के बाद किसी भी दशा में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा जा सकेगा, ठीक है। और दूसरा है कि प्रवेश हेतु ऑनलाइन शुल्क जमा करने के 24 घंटे के पश्चात विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट शोध पीएचडी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क विवरण, तो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है जैसा कि जनरली होता है। फर्स्ट वन इज सामान्य एवं अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों हेतु ₹1000। ओके, और एससी और एसटी के कैंडिडेट्स के लिए है ₹500। ओके, नेक्स्ट वन है नोट है कि कुछ इन्होंने इम्पोर्टेंट नोट्स दिए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका पीएचडी प्रवेश 2020 हेतु विषयों का विवरण। ओके, देख ये टेबल जो है फोर कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज क्रमांक, सेकंड विषय, थर्ड वन इज विश्वविद्यालय परिसर एवं अनुदानित महाविद्यालयों में संचालित विषय, और लास्ट ऑफ ऑल है आपका सब्जेक्ट कोड। तो भौतिकी के लिए जैसे 1 है, रसायन विज्ञान के लिए 2 है, गणित के लिए 3 है, तो मैं इसको स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में इसकी डीप स्टडी कर सकते हैं। करीब करीब सभी क्या कहते हैं विषयों में यहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं, लेकिन फिलहाल कितनी अवेलेबल है इसकी पर्टिकुलर जानकारी नहीं दी गई है। मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान सब ये सब्जेक्ट कोड चल रहा है अभी, लाइक हिंदी का 22 है, अंग्रेजी का 23 है। ओके, समाजशास्त्र का 24 है, इतिहास का 29 है। नेक्स्ट वन है आपका वही फर्दर जो सब्जेक्ट्स हैं वही डिस्प्ले हो रहे हैं, शिक्षा शास्त्र का है 31। ओके, मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप लोग प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट नोट भी है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्तमान में कोई सीट रिक्त नहीं है, भविष्य में सीट रिक्त होने की संभावना है, शेष विषयों में सीटों की संख्या सीमित है। ओके, और एक और महत्वपूर्ण नोट है कि आवेदन के पश्चात शोध समिति की बैठक के समय विश्वविद्यालय परिसर / महाविद्यालय में रिक्त सीटों को दृष्टिगत रखते हुए
DRC के साक्षात्कार के आधार पर शोध विषयों में प्रवेश लिया जाएगा। आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगा, वैलिड होगा। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि आज ही मैंने इस पे एक वीडियो क्या कहते हैं पब्लिश किया है कि PhD और MPhil में एडमिशन के लिए अब इंटरव्यू प्रक्रिया नहीं रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि इस महत्वपूर्ण नोट में जो है मॉडिफिकेशन अवश्य होगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग उसको वॉच कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिसर्च स्कॉलर्स। ओके, शोध अभ्यर्थी के लिए अर्हता, क्या अर्हता होनी चाहिए? फर्स्ट वन कि ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने UGC, CSIR, DVT, ICAR, ICMR आदि संस्थाओं से JRF, NET, GET एवं UP SLET अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ठीक है। सेकेंड वन, ऐसे नियमित शिक्षक जो विश्वविद्यालय परिसर या विश्वविद्यालय से एफिलेटेड महाविद्यालयों में अध्यापन कर रहे हों और अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हों। थर्ड वन, विदेशी अभ्यर्थी फॉरनर स्टूडेंट्स NRI सहित जो फॉरनर्स कैंडिडेट हैं जो समय समय पर केंद्र सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश शुल्क आदि संबंधी बनाए गए नियमों एवं शर्तों से आच्छादित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नंबर फोर्थ कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका गेट परसेंटाइल 75% से कम ना हो। नंबर फिफ्थ, ऐसे अभ्यर्थी जो आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स में या उसके समकक्ष न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा की हो, वह डिफेंस या स्ट्रेटेजिक स्टडीज विषय में अहर होंगे, ठीक है, क्वालिफाइड होंगे। नेक्स्ट वन, उद्योग गत इंडस्ट्री से संबंधित 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त अधिकारी भी क्वालिफाइड होगा। ओके, लास्ट ऑफ ऑल MPhil उपाधि धारक भी एप्लीकेबल होंगे। ओके, नेक्स्ट है नोट है इसके साथ भी कि उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत अहर सभी अभ्यर्थियों को बुलाए जाने पर विभागीय शोध समिति DRC के समक्ष अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका शोध में प्रवेश हेतु आवेदन संबंधी दिशा निर्देश, गाइडलाइंस फॉर रिसर्च टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन इन रिसर्च। ओके, तो फर्स्ट वन है प्रवेश हेतु निर्धारित ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिए गए समस्त निर्देशों को भलीभांति पढ़ें तथा उसके अनुसार आवेदन पत्र में आवश्यक सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें। नेक्स्ट, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी नवीनतम स्पष्ट रंगीन फोटो JPG फॉर्म में एवं स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। थर्ड, अभ्यर्थी को शोध हेतु अलग अलग विषयों में अलग अलग आवेदन करना होगा। दैट्स मीन एक यूनिक एप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा, जितने सब्जेक्ट उतना एप्लीकेशन आपको यहाँ पे फॉरवर्ड करना होगा। ओके, नेक्स्ट वन कि ऑनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा और ना ही अन्य किसी पाठ्यक्रम में स्थानांतरित किया जाएगा। नंबर फिफ्थ, अभ्यर्थियों को प्रवेश लेते समय माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य होगा। ये कंडीशन तो हर चीज़ में एप्लीकेबल करती होती है, आपको पता ही है। और नंबर सिक्स, अभ्यर्थी को प्रवेश की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट, समाचार पत्र, मोबाइल मैसेज द्वारा दिया जाएगा। अहर अभ्यर्थी विश्वविद्यालय / संबंधित अनुदानित महाविद्यालय में DRC, RDC रिसर्च डिग्री कमेटी हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन प्रारूप पर अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा। और नंबर 7, विभागीय शोध समिति DRC के समय अहरकारी परीक्षा PG उत्तीर्ण होने का अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ओके, नेक्स्ट वन है आरक्षण, जैसा कि मेनली जो जनरली होता है वही आरक्षण है। इसमें अनुसूचित जनजाति,
जाति जनजाति एससी एसटी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए वही 21.2% एंड 27% स्थान आरक्षित है। ओके, और आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में यथा स्थान अधोलिखित तालिका के अनुसार श्रेणी का उल्लेख करना होगा। डीआरसी के समय जाति का मूल प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के अनुसार निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। नेक्स्ट वन, सेकेंड नंबर, आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग EWS के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शासनादेश के अनुरूप आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा, वैलिड होगा। थर्ड, आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, मतलब डोमिसाइल प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट है आपका यहाँ पे एफिलेटेड होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका रिजर्वेशन टेबल। ओके, रिजर्वेशन टेबल के लिए बता रखा है, जो आपका टेबल है कि श्रेणी है, कोड संख्या है, ठीक है। सामान्य के लिए कोड संख्या 01 है और OBC के लिए आपका 01A है, अन्य पिछड़ी जाति के लिए 02 है और SC के लिए 3 है, 03 है और ST के लिए 04 है। इसमें नेक्स्ट है आपका क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो आप प्लीज ये भी एज यूजुअल जैसे कि हर गवर्नमेंट प्रोसीजर में होता है वैसा ही है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि महिला अभ्यर्थी हेतु 20% स्थान संबंधित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है। ओके, 20% आरक्षण जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। ओके, और महिलाओं के कुल आरक्षित सीट संख्या में 2% सीट विधवा / तलाकशुदा महिलाओं को संबंधित श्रेणी में आरक्षित है, ठीक है। और ये क्षैतिज आरक्षण तालिका है आपकी, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन टेबल है कि किसके लिए क्या है, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको इसकी डिटेल स्टडी कर लीजिएगा। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी।